वक्त आप लोग कैसा? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो रात हो चुका है और अभी खाना, आज मेरा खाना मेरी मम्मी के यहाँ से आ रहा है। मम्मी मेरे लिए कुछ अच्छा बना रही है तो भेजने वाली है, तो आप लोग भी दिखा। मेरी आई है पेन पेंसिल, तो मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ। उससे पहले लाइक कर दीजिएगा, ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और बढ़िया से देखिएगा। और ये है मेरी पेन पेंसिल। इसका लुक पूरा होता है पेन जैसा और ये होती है इसकी पेन, सॉरी है ना, पेन जैसा होता है लेकिन इसके अंदर होती है पेंसिल वाली, जिसको हम लोग शॉर्प करते हैं नॉर्मल पेंसिल से, वो वाली। और देखिए अब मैंने इसकी नॉक निकाली है और ये यहाँ पे लिख सकते हैं। बड़े दिखा दूँ मैं ये, ओके ये चल रही है। हाँ पीछे करके दिखाता हूँ। और इसका राइटिंग तो बहुत बढ़िया, उसको मैं लिख के दिखाता हूँ। युवराज मेरा नाम युवराज। तो ये बहुत बढ़िया है और मैं बोलूँगा भाई, ये इससे पहले भी मेरे पास एक पेन पेंसिल है, मेरे पास मेरी ओल्ड वाली पेन पेंसिल जो कि अब एकदम बेकार हो चुकी है और इसके अंदर इरेजर भी था। ओल्ड है ये और ये है मेरी प्यारी सी न्यू। मस्त लुक है, बहुत वेरी बेस्ट। और अगर आपको इसकी नॉक को बंद करना है, आपको इसकी नॉक पे उंगली रखनी है एवं कफ के, और यहाँ पे इसके पीछे वाले बटन को प्रेस कर देना है, ये अपने आप अंदर चले जाएगी। और ज्यादा महान बच्चे तो समझ जाने क्या करोगे अब इसका। The next day. तो यू भी यहाँ भी सोया हुआ, चलते हैं उसको उठा के रेडी करने स्कूल के लिए। तो मुझे बहुत दिनों से दही चूड़ा खाने का मन था, तो आज मैं नाश्ते में दही चूड़ा ही खा रही हूँ और बेटे के आने का इंतजार करते हैं। Two hours later. तो यूवी स्कूल से आ चुका है और उसको आते ही उसके हाथ में आइसक्रीम चाहे गोला होना चाहिए। उसको मतलब आइसक्रीम गोला से बहुत प्यार है, खाने पीने से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो अभी भी स्कूल से वो गोला खरीदवा के आया है और चलते हैं फिर इसको खाना वाना खिलाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से। सुंदर नंबर वन टेस्ट हुआ था स्कूल में, नहीं हुआ था कंप्यूटर में। चलिए मालिक खाना खाना है। Four hours later. चलते हैं मार्केट, क्योंकि तीज की अभी तक मैंने साड़ी उड़ी कुछ नहीं ली है, तो चलते हैं मार्केटिंग कर लेते हैं। तो गाइस आ चुके हैं मार्केट और चलते हैं साड़ी देखने। वैसे तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ साड़ी वगैरह लेने के लिए, तो देखते हैं कौन सा पसंद आता है। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को कौन सा अच्छा लगा। ये सब अच्छा था, स्टोन वर्क था, पर मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, पर अभी यही लेटेस्ट चला हुआ है। थोड़ा सा हमको ठीक है तो ये पर्पल वाला सा ठीक है। वो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो ले। तो ये सब कौन सा कपड़ा है? ये वाला ग्रेप टाइप का कपड़ा है, ग्रेप से। और ये जीन्स है ना, कौन होता है ठीक है, सो आपको ग्रेप में अभी ये सब लेटेस्ट चल रहा है। ये
चाहिए है तो उसमें दिखता नहीं, मेरे पास है देसी कौन वाला टिकट। तो उतना साड़ी देखने बाद मुझे तो समझ नहीं आया, पर जाके पता नहीं क्यों मुझे देसी लुक की ही साड़ियाँ बहुत पसंद आती है। तो ये साड़ी जो आप देख रहे हैं ये और इससे पहले वाली साड़ी, ये सब देसी लुक की साड़ी है और मुझे अच्छी लग रही थी, पर मुझे मेरे पास ऐसा स्टोन वर्क और धागे का साड़ी है मेरे पास, तो इसलिए मैं कुछ अलग लेना चाह रही थी और कुछ इस बार हल्का भी लेना चाह रही थी। इसलिए अब मैंने क्या लिया वो मैं भी आपको नहीं दिखाऊंगा, वो आपको सीधे तीज के दिन में दिखेगा आप लोग को। तो यहाँ हमारी साड़ी की शॉपिंग कंप्लीट हो गई और अब चलते हैं चूड़ियाँ लेने। और जहाँ से और इतनी रात हो गई थी, सारा मार्केट बंद हो रहा था, फिर जाके हम लोगों को एक दुकान खुला मिला, तब जाके वहाँ से हम लोगों ने चूड़ियाँ ली, पर वो भी वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो इस ब्लॉग को ये लाइक, चैनल पर नए चैनल के सब्सक्राइब।